हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में यह आपका 1 से लेकर 8 तक के रिएक्शन लिखे हुए हैं। इनमें आपको प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, ठीक है। इसका जो उत्पाद होगा, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को लिखना है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये आपका क्लोरोप्रोपेन है, क्लोरोप्रोपेन है जिसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जा रही है एसीटोन की उपस्थिति में और ऊष्मा की उपस्थिति में। तो आपको कौन सा कार्बनिक उत्पाद बनेगा यह आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से इसको समझिए। यह था आपका कंपाउंड क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन था। इसकी क्रिया कराते थे सोडियम आयोडाइड से एसीटोन और गर्म किया जाता। तो सोडियम आयोडाइड से क्रिया होने पर Na और Cl यह आपस में जुड़ जाएंगे और आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाएगा जिससे बनेगा आपका आयोडोप्रोपेन। जब क्लोरोप्रोपेन की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं एसीटोन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, आयोडोप्रोपेन बनता है। तो उसका आप स्ट्रक्चर लिखना था, तो ये आप स्ट्रक्चर लिख दिए CH3CH2CH2I, ठीक है। सेकेंड आपका था 2-ब्रोमो-2-मेथिल-प्रोपेन, ठीक है, इसकी क्रिया करा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एथेनॉल की उपस्थिति में, इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब 2-ब्रोमो-2-मेथिल-प्रोपेन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं एथेनॉल की उपस्थिति में, ठीक है, तो एल्कीन बनता है आपका, ठीक है, एल्कीन बनता है ब्रोमीन और पोटेशियम, ठीक है, ब्रोमीन और पोटेशियम ये आपस में जुड़कर KBr बनाते हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन और OH मिलकर H2O बनाते हैं और यहाँ पर दो बंद आ जाता है। तो इस तरह से आपका 2-मेथिल-प्रोपीन बनेगा। तो जब 2-ब्रोमो-2-मेथिल-प्रोपेन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथेनॉल के साथ गर्म करेंगे तो आपका 2-मेथिल-प्रोपीन बनेगा। तीसरा है CH3CHBr CH2CH3 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, ठीक है, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन की क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे हैं, जल अवघटन कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जब 2-ब्रोमो-ब्यूटेन का सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अवघटन करते हैं, ठीक है, तो आपका बनेगा एल्कोहल, 2-ब्यूटेनॉल बनेगा, ठीक है, 2-ब्यूटेनॉल बनेगा और NaBr+H2O, ठीक है, 2-ब्यूटेनॉल को ब्यूटेन टू गाल भी कहते हैं, ठीक है। जब 2-ब्रोमो-ब्यूटेन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल अवघटन कराते हैं, यह जो ब्रोमीन है वह सोडियम के साथ मिलकर NaBr बन जाता है और यहाँ पर सी कार्बन की जगह पे OH जुड़ जाता है, ठीक है, और आपका ब्यूटेन टू गाल बनता है जिसे 2-ब्यूटेनॉल भी कहते हैं। आपका अगला रिएक्शन है चौथा, ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराई जा रही है जली एथेनॉल की उपस्थिति में। तो इस तरह से ब्रोमीन और पोटेशियम आपस में जुड़कर KBr बना लेंगे और साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा, आपका बनेगा एथिल साइनाइड, ठीक है। तो जब ब्रोमोएथेन की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराई जाती है जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में तो एथिल साइनाइड बनता है। नेक्स्ट आपका पांचवा जो है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराते हैं क्लोरोएथेन से। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया क्लोरोएथेन से करते हैं तो इसको विलियमसन संश्लेषण कहते हैं और आपका ईथर बनता है, फेनिल एथिल ईथर बनता है C6H5OC2H5, फेनिल ईथर ईथर बनता है, फेनिल एथिल ईथर बनता है और NaCl बनता है, ठीक है। तो जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया क्लोरोएथेन से कराते हैं तो आपका ईथर बनता है, फेनिल एथिल ईथर बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस क्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो यह था आपका रिएक्शन नंबर 5, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका।
ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है, इसका क्रिया क्लोरोएथेन से कराए हैं जिसे विलियमसन संश्लेषण कहते हैं, और क्या बना है, फेनिल एथिल ईथर बना है और सोडियम क्लोराइड बना है। अब आते हैं सिक्स में, ये आपका प्रोपेन वन आल है, इसकी क्रिया करा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड से, तो क्या बनेगा ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स है, प्रोपेन वन आल, प्रोपेन वन आल इसकी क्रिया करा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से प्रोडीन की उपस्थिति में, तो प्रोपेन वन आल जो है चेंज हो जाएगा आपका क्लोरो प्रोपेन में, ठीक है, आपका बन जाएगा CH3CH2CH2Cl, क्लोरो प्रोपेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, सल्फर डाइऑक्साइड Cl गैस के रूप में बनेंगे जो उड़ जाएंगे और आपका शुद्ध रूप में क्लोरो प्रोपेन प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपने देखा प्रोपेन वन आल क्रिया थायोसाइन, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड से करके क्लोरोप्रोपेन बना सकते हैं। नेक्स्ट है छठवां आपका ब्यूटेन वन इन, ब्यूटेन वन इन है आपका, इसकी क्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से और पराक्साइड की उपस्थिति में। जब पराक्साइड उपस्थित होता है तो मार्कानिकाफ का रूल जो है और फेल हो जाता है, तो निगेटिव पार्ट जो है इससे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन जो है इससे जुड़ जाएगा, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन CH3CH2CH2CH2Br बन जाएगा, ठीक है। तो पराक्साइड के कारण जो है मार्कानिकाफ का रूल फेल हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव पार्ट जो है उससे नहीं जुड़ पाएगा, जिसको हाइड्रोजन की संख्या कम हो निगेटिव पार्ट उससे जुड़ जाएगा CH2 से, ठीक है, और हाइड्रोजन इससे जुड़ हो जाएगा CH2 हो जाएगा यह, और यह CH2Br हो जाएगा और डबल बन सिंगल बन में चेंज हो जाएगा, ब्यूटेन वन इन बन जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक। अब आपका आठवां है, ठीक है, आठवां में आपका कंपाउंड है एल्कीन है आपका CH3CH CH3CH3SBr, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन करा रहे हैं जब किसी एल्कीन पर, और कैसी एल्कीन है यह आपकी, ठीक है, यह अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का एडिशन जब कराते हैं तो निगेटिव पार्ट उससे जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम हो, ठीक है, तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या कम है तो इस पर ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, और इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो आपका कंपाउंड यह बन जाएगा 2-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन, ठीक है, यह आपका कंपाउंड बनेगा 2-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन, यह आपका एंटी मार्कानिकाफ के रूल से हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखिए, ठीक है, यह आपकी अभिक्रिया है, इसकी क्रियाविधि लिखना है आपको, ठीक है, यह आपका एन ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इसकी क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करा रहे हैं, ठीक है, बन रहा है आपका एन ब्यूटिल साइनाइड बन रहा है, ठीक है, इसकी क्रियाविधि लिखना है। ध्यान से देखें, पोटेशियम साइनाइड का एडिशन हो रहा था एन ब्यूटिल ब्रोमाइड पे, पोटेशियम साइनाइड की यहाँ पे अनुनादी संरचनाएँ लिखी गई हैं, ठीक है, KCN की अनुनादी संरचना देखें, K+CN-, तो यह कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अभी कार्बन पे माइनस आवेश है, ठीक है, माइनस चार्ज है, तो यह बंद इधर शिफ्ट होकर हो जाएगा तो नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर हो जाएगा, यह दोनों स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं जिसे KCN की अनुनादी संरचनाएँ कहते हैं, ठीक है। यह आपका नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड था CH3CH2CH2CH2Br, नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्रोमीन जो होता है वह कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ब्रोमीन पर आंशिक माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पर आंशिक प्लस चार्ज आएगा, और पोटेशियम ब्रोमाइड को आप जानते हैं के पर प्लस होता है और CN पे माइनस होता है, यह CN- जो है कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं CH2 पर प्लस है, आंशिक प्लस है, तो यहाँ पे आके CN- जुड़ जाएगा और यह ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और K+ से जुड़कर KBr बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं आपका कंपाउंड हो जाएगा एन ब्यूटिल साइनाइड CH3CH2CH2CH2Cn, ठीक है, और प्लस Br-, तो यह आपका कंपाउंड हो गया एन ब्यूटिल साइनाइड, ठीक है। इसका क्रिया आपने देखा कि KCN में जो माइनस पार्ट है CN- वो आके कार्बन जिस पर प्लस है इसे आके ऐड हो जाता है और ब्रोमाइड अलग हो जाता है, ये आपका कंपाउंड बन जाता है एन ब्यूटिल साइनाइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर
16 है। SN2 प्रतिस्थापन के प्रति, ठीक है, SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूह को क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो आपको SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता जो बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, उसके प्रति जो है अभिक्रियाशीलता के आधार पर यौगिकों को क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। ठीक है, तो पहले में दिया गया है 2-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन, 1-ब्रोमो-पेंटेन और 2-ब्रोमो-पेंटेन। ठीक है, तो इसको एक क्रम में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं, पहला ध्यान दीजिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर 16 का पहला है। यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम, यहाँ पर यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का जो घटता क्रम है उसको यहाँ पर दिया गया है, बनाया गया है। ठीक है, यौगिकों की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम निम्न रूप से दिया गया है। देखें ध्यान से, 1-ब्रोमो-पेंटेन, ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होगा SN2 के प्रति वह पहले होगा 1-ब्रोमो-पेंटेन। ठीक है, उससे स्लो होगा 2-ब्रोमो-पेंटेन और सबसे स्लो होगा 2-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन। ठीक है, तो यह एक क्रम हो गया। यह कैसा क्रम है, घटता हुआ क्रम है। SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे तेज कौन रिएक्शन करेगा, 1-ब्रोमो-पेंटेन करेगा, और सबसे स्लो कौन करेगा, 2-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन करेगा। ऐसा क्यों है करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रोमीन है उसको मजबूती देने के लिए केवल एक ही आर ग्रुप जुड़े हुए हैं, जबकि इस ब्रोमीन को मजबूती देने के लिए 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है और इस ब्रोमीन, ठीक है, को स्टेबिलिटी जो है, क्योंकि यह ब्रोमीन अलग होगा, ब्रोमीन क्या होगा, अलग होगा तो कार्बन पे प्लस आएगा। ब्रोमीन जब अलग होगा तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो कार्बन के प्लस को यहाँ पर एक आर ग्रुप जो है उसके पॉजिटिव को कम कर रहा है, और यहाँ पर कार्बन में प्लस आया है तो इसके लिए 2 R ग्रुप हैं जो इसके पॉजिटिव को कम कर रहा है, और इसके इस कार्बन पे प्लस आएगा तो इसके पास 3 R ग्रुप हैं इसके आंशिक प्लस को दूर करने के लिए, घटाने के लिए। ठीक है, इसलिए जो सबसे तेज रिएक्शन करेगा वह 1-ब्रोमो-पेंटेन करेगा SN2 रिएक्शन, और जो सबसे स्लो करेगा वह है 2-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन। ठीक है, इसके कारण, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। अब दूसरा जो है आपका दिया है 1-ब्रोमो-3-मेथिल-ब्यूटेन, यह सबसे तेज रिएक्शन करेगा SN2 के प्रति, उसके बाद आएगा आपका 2-ब्रोमो-3-मेथिल-ब्यूटेन और लास्ट में आएगा 2-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन। ठीक है, यह जो प्राइमरी है, ठीक है, वह सबसे तेज रिएक्शन करेगा, उसके बाद सेकेंडरी और सबसे लास्ट में आएगा थर्ड, ठीक है, तृतीय। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि 1-ब्रोमो-पेंटेन जो है वो प्राथमिक था और 2-ब्रोमो-पेंटेन द्वितीयक था और 2-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन क्या था, तृतीयक था। तो यह एक अभिक्रिया का घटता हुआ क्रम है SN2 के प्रति। दूसरे वाले में भी आप देख रहे हैं कि 1-ब्रोमो-3-मेथिल-ब्यूटेन है जो प्राथमिक है, 2-ब्रोमो-3-मेथिल-ब्यूटेन है जो द्वितीयक है और 2-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन है जो तृतीयक है। तो यह जो है SN2 के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्रम है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो SN2 के प्रति करेगा वो प्राइमरी करेगा, देन सेकेंडरी और लास्ट में टर्जियरी आएगा। टर्जियरी जो सबसे लास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका जो कार्बन है, कैटायन है, C+ है, यह स्टेबल हो रहा है क्योंकि इससे 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। और इसका तीसरा हिस्सा देखते हैं, तीसरा वाला देखें ध्यान से, इसमें आपका एक कंपाउंड दिए गए थे 1-ब्रोमो-ब्यूटेन, 1-ब्रोमो-3-मेथिल-ब्यूटेन और 1-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन, और लास्ट में आपका चौथा है 1-ब्रोमो-2-2-डाइमेथिल-प्रोपेन। ठीक है, तो सब प्राथमिक थे, सब कैसे थे, प्राथमिक थे, और इनका क्रम आपको लिखना है घटते हुए क्रम में। तो जो SN2 अभिक्रिया के प्रति सबसे तेज रिएक्शन करेगा वो होगा 1-ब्रोमो-ब्यूटेन। ठीक है, यह सबसे तेज रिएक्शन करेगा, उसके बाद जो है 1-ब्रोमो-3-मेथिल-ब्यूटेन रिएक्शन करेगा। ठीक है, उसके बाद नंबर आएगा 1-ब्रोमो-2-मेथिल-ब्यूटेन का, और सबसे स्लो रिएक्शन करने वाला होगा 1-ब्रोमो-2-2-डाइमेथिल-प्रोपेन। ठीक है, यह सबसे स्लो रिएक्शन करेगा SN2
वन ब्रोमो टू टू डाईमेथिल प्रोपेन, और सबसे तेज जो रिएक्शन करेगा वो होगा वन ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। C6H5CH2Cl तथा C6H5CL में से कौन सा यौगिक जलीय के OH से शीघ्रता से जल अपचयित होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो कंपाउंड दिए गए हैं। पहला है आपका C6H5CHCl, एक कंपाउंड है जिसका नाम है 1-chloro-1,1-diphenylmethane, 1-chloro-1,1-diphenylmethane। ठीक है, ये देखें ध्यान से, ये आपके कंपाउंड है। एक है आपका C6H5CL, ठीक है, इसका नाम है 1-chloro-1,1-diphenylmethane, ये आपका द्वितीयक है। 1-chloro-1,1-diphenylmethane द्वितीयक है आपका, इसका आयनीकरण होगा तो आपका बनेगा यह। ठीक है, Cl अलग हो जाएगा, कार्बन प्लस आ जाएगा, तो आयनीकरण होने के बाद जो है यह आपका कंपाउंड बनेगा जिसमें कार्बन में प्लस होगा और C6H5CH कार्बन प्लस, इधर CCH5। यह R ग्रुप हैं दोनों तरफ जो इसको स्टेबल करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई है उसको पूरा करने का काम करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इसमें लगेगा और यह अधिक अस्थायी होगा। दूसरा वाला जो है वह आपका है C6H5CH2Cl बेंजिल क्लोराइड, यह प्राइमरी है। ठीक है, बेंजिल क्लोराइड क्या है, CH2Cl बेंजिल क्लोराइड है, प्राइमरी है, इसका आयनीकरण होगा तो यह Cl अलग होगा तो इस कार्बन प्लस आएगा तो यह बनेगा C6H5CH2+ और Cl-। ठीक है, तो इसके पास केवल एक ही तरफ से R ग्रुप है इस कार्बन की कमी को पूरा करने के लिए, यह जो बना है आपका कार्बोकेटाइन यह क्या होगा, कम अस्थाई होगा। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है जो कम अस्थाई होगा, या द्वितीयक कार्बोकेटाइन है जो अधिक अस्थाई होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें कि SN1 अभिक्रिया में, ध्यान दीजिए, SN1 अभिक्रिया में अभिक्रियाशीलता कार्बोकेटाइन के अस्थायित्व पर निर्भर करती है। जो SN1 अभिक्रिया होते हैं उनमें अभिक्रियाशीलता जो है वह कार्बोकैटायन के अस्थायित्व पर निर्भर करती है। यहाँ पर जो CCH5CH+ यह सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, यह प्राइमरी कार्बोकैटायन की तुलना में अधिक अस्थायी है। ठीक है, यह CCH5CH+ यह जो कार्बोकैटायन है वह C6H5CH2+ इसकी तुलना में जो है अधिक अस्थायी होता है। ठीक है ना, अतः C6H5CL की तुलना में अधिक आसानी से जल घटित हो जाता है। ठीक है ना, तो कौन जो है अधिक आसानी से जल अपचयित हो जाएगा, C6H5CHCl C6H5, यह जो है अधिक आसानी से जल अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि 1-chloro-1,1-diphenylmethane का आयनीकरण करने पर द्वितीय कार्बोकैटायन बनता है, जबकि C6H5CH2Cl अर्थात बेंजिल क्लोराइड का आयनीकरण करने पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनता है। प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वह कम स्टेबल होता है, जबकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। ठीक है, इसलिए जो है वह आसानी से जल अपचयित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, आर्थो तथा मेटा समावयों की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च होता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, आर्थो और मेटा समावयों की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च होता है, विवेचना कीजिए। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक अधिक होता है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की तुलना में, ऐसा क्यों होता है, इसका स्पष्टीकरण दीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये आपके आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है 1-2 पोजीशन, ये आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है 1-3 पोजीशन, और ये आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है 1-4 पोजीशन। ठीक है, ये डाइक्लोरोबेंजीन के तीन समावयी यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यह जो है अधिक, ठीक है, यह अधिक जो है स्टेबल है, इसका गलनांक जो है अधिक होता है किसकी तुलना में, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन तुलना में। इसका क्या कारण है, ठीक है,
तो इसका जो कारण है इसकी सिमेट्री है, इसकी सम्मति है। यहाँ पे जो रिपल्सन है कुरियन कुरियन के बीच में अब बहुत कम लग रहा है क्योंकि ये दोनों दूर हैं, ठीक है। तो यह सिमेट्री के कारण जो है ज़्यादा स्टेबल होता है, इससे इसका गलनांक जो है अधिक होता है। डाइक्लोरोबेंजीन ऊपर दिए गए तीनों समावयों में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन अन्य दो समावयों की अपेक्षा अधिक सम्मित होता है, ठीक है। तो ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वह इन दोनों की तुलना में अधिक सम्मित होता है, जिसके कारण यह आर्थो और मेटा समावयों की तुलना में क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित होता है, ठीक है। अपने सम्मित के कारण यह जो है क्रिस्टल जालक में अधिक समायोजित होता है। अतः पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक तथा विलेयता आर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि आर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक और विलेयता अधिक होता है। क्यों? इसके सिमेट्री के कारण, क्योंकि यह जो है आर्थो और मेटा की तुलना में अधिक सममित होता है, ठीक है, जिससे इसका क्रिस्टल जालक जो है अधिक समायोजित होता है। इसीलिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक और विलेयता आर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन की तुलना में अधिक होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से आगे सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।